मुरली अमृत की धारा है धारा, मुरली में जो समा जाए वो फरिश्ता बन जाए प्यारा। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 23 अक्टूबर 2024। आज की मुरली के सार में सुप्रीम सोल शिव बाबा ने रूहानी यात्रा का भावार्थ समझाते हुए कहा कि यह रूहानी यात्रा तुम्हारी बुद्धि की है। इसमें तुम्हें अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। जब आत्मिक स्थिति में रहते हैं उनको सुलटा कहा जाता है, और अपने को शरीर समझना अर्थात उल्टा लटकना है। साथ में कहा, बाप को याद करते करते अंत मते सौगति हो जाएंगी। यह है याद की यात्रा। इसमें हाथ पांव आदि चलाने की बात नहीं है, सिर्फ याद करना है। भल कहाँ भी घूमो फिरो, उठो बैठो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह है रियलिटी। और वर्तमान समय अनुसार बाबा ने अटेंशन दिलाया कि एक होती है ईश्वरीय देवी इज्जत और दूसरी होती है आसुरी इज्जत। आसुरी इज्जत अर्थात जिससे पतित बनते हैं, आज इज्जत देकर कुर्सी पर बिठाते हैं, कल कुर्सी से उतार कर गालियां देते हैं। अभी बेहद का बाप आकर इज्जत बहुत ऊंच बनाते हैं, अर्थात नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाते हैं। इनसे ऊंच इज्जत कोई की होती नहीं। और अटेंशन दिलाया कि विकार को भूत कहा जाता है, यह बहुत खराब है। कामी की हेल्थ बिगड़ती जाती है, ताकत कम हो जाती है। बाबा कहे, इस काम विकार से तुम्हारी ताकत बिल्कुल खत्म हो गई है, और नतीजा यह हुआ है कि आयु भी कम हो गई है, भोगी बन पड़े हैं। अब योगी बनना है। योगी सदैव तंदुरुस्त रहते हैं और आयु भी बड़ी 150 वर्ष की रहती है। और स्मृति दिलाई कि अभी तुम सबकी स्टूडेंट लाइफ है। ऐसी यूनिवर्सिटी कभी देखी जहाँ बच्चे बूढ़े जवान इकट्ठे पढ़ते हो, जिसमें स्वयं ब्रह्मा भी पढ़ते हैं। तो कभी एब्सेंट नहीं होना है, पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है। और लास्ट में सांत्वना देते हुए कहा, हे रूहानी बच्चों, अब धैर्य धरो, बाकी थोड़ा समय है इस रावण राज्य में। अब बाबा जो डायरेक्शन देते हैं उस पर चलना है। सुनते हैं आज के प्यारे बाप दादा के इन अनमोल मधुर महावाक्यों को। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है, इसे ही रूहानी यात्रा कहा जाता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, शरीर नहीं। शरीर समझना अर्थात उल्टा लटकना। आज मुरली से प्रश्न है, माया के पंप में मनुष्यों को कौन सी इज्जत मिलती है? उत्तर में बाबा कहे, आसुरी इज्जत। मनुष्य किसी को भी आज थोड़ी इज्जत देते, कल उसकी बेइज्जती करते, गालियां देते हैं। माया ने सबकी बेइज्जती की है, पतित बना दिया है। बाप आए हैं तुम्हें देवी इज्जत वाला बनाने। ओम शांति। रूहानी बाप रूहों से पूछते हैं, कहाँ बैठे हो? तुम कहेंगे, विश्व की रूहानी यूनिवर्सिटी में। रूहानी अक्षर तो वो लोग जानते नहीं, विश्वविद्यालय तो दुनिया में अनेक हैं। यह है सारे विश्व में एक ही रूहानी विद्यालय, एक ही पढ़ाने वाला है। क्या पढ़ाते हैं? रूहानी नॉलेज। बाबा कहते हैं, ये रूहानी विद्यालय एक ही है और रूहानी पढ़ाई पढ़ाने वाला रूहानी बाप एक ही है। तो यह है स्पिरिचुअल विद्यालय अर्थात रूहानी पाठशाला। स्पिरिचुअल अर्थात रूहानी नॉलेज पढ़ाने वाला कौन है, यह भी तुम बच्चे ही अभी जानते हो। रूहानी बाप ही रूहानी नॉलेज पढ़ाते हैं, इसलिए उनको टीचर भी कहते हैं, स्पिरिचुअल फादर पढ़ाते हैं। अच्छा, फिर क्या होगा? तुम बच्चे जानते हो, इस रूहानी नॉलेज से हम अपना आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। बाबा कहते हैं, इस रूहानी पढ़ाई से तुम क्या करते हो? अपना आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से स्थापन करते हो। एक धर्म की स्थापना, बाकी जो इतने सब धर्म हैं उनका विनाश हो जाएगा। इस स्पिरिचुअल नॉलेज का सब धर्मों से क्या तल्लुक है? बाबा कहते हैं, यह भी तुम अब जानते हो। एक धर्म की स्थापना इस रूहानी नॉलेज से होती है। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, उनको कहेंगे रूहानी दुनिया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इस स्पिरिचुअल नॉलेज से तुम राजयोग सीखते हो, राजा स्थापन होती है। अच्छा, फिर और धर्म से क्या तल्लुक है?
अर्थात बाबा कहते हैं इस धर्म में और उस धर्म में क्या फर्क है, और सभी धर्म विनाश को पाएंगे क्योंकि तुम पावन बनते हो तो तुमको नई दुनिया चाहिए। इतने सब अनेक धर्म खत्म हो जाते हैं, एक धर्म रहेगा, उसको कहा जाता है विश्व में शांति का राज्य। अभी है पतित अशांति का राज्य, फिर होगा पावन शांति का राज्य। अभी तो अनेक धर्म हैं, कितनी अशांति है, सब पतित ही पतित हैं, रावण राज्य है ना। अब बच्चे जानते हैं पांच विकारों को जरूर छोड़ना है, यह साथ में नहीं ले जाने हैं। आत्मा अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है ना। अब बाप तुम बच्चों को पवित्र बनने की ताकत बताते हैं। बाबा कहते हैं पवित्रता में क्या ताकत है वह बाबा बताते हैं। क्या ताकत है? आत्मा के संस्कार परिवर्तन होते हैं, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन हो जाता है और आत्मा सुख शांति संपन्नता को पाती है। उस पावन दुनिया में कोई भी दुख होता नहीं। यह स्पिरिचुअल नॉलेज पढ़ाने वाला कौन है? स्पिरिचुअल फादर, सभी आत्माओं का बाप। स्पिरिचुअल फादर क्या पढ़ाएंगे? बाबा कहते स्पिरिचुअल फादर आकर क्या पढ़ाते हैं? स्पिरिचुअल नॉलेज। इसमें कोई भी किताब आदि की दरकार नहीं, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, पावन बनना है। बाप को याद करते करते अंतमति सौगति हो जाएंगी। यह है याद की यात्रा। यात्रा अक्षर अच्छा है, वह है जिस्मानी यात्राएं, यह है रूहानी। उसमें तो पैदल जाना पड़ता है, हाथ पांव चलाते हैं, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ याद करना है। भल कहाँ भी घूमो फिरो, उठो बैठो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। डिफिकल्ट बात नहीं है, सिर्फ याद करना है। यह तो रियलिटी है ना। बाबा कहते हैं यही तो मेन बात है ना, याद। आगे तुम उल्टे चल रहे थे, अपने को आत्मा के बदले शरीर समझना, इसको कहा जाता है उल्टा लटकना। अपने को आत्मा समझना यह है सुल्टा। अल्लाह जब आते हैं तब आकर पावन बनाते हैं। अल्लाह की पावन दुनिया है, रावण की पतित दुनिया है। देह अभिमान में सभी उल्टे हो गए हैं। अब एक ही बार देही अभिमानी बनना है तो तुम अल्लाह के बच्चे हो। अल्लाह हूँ नहीं कहेंगे, अंगुली से हमेशा उनकी तरफ इशारा करते हैं तो सिद्ध होता है अल्लाह वह है। तो यहाँ जरूर दूसरी चीज है, हम उस अल्लाह बाप का बच्चा हूँ, हम भाई भाई हैं। अल्लाह हूँ कहने से फिर उल्टा हो जाएंगे कि हम सब बाप हैं, परंतु नहीं, बाप एक है, उनको याद करना है। अल्लाह एवर प्योर है, अल्लाह खुद बैठ पढ़ाते हैं। थोड़ी सी बात में मनुष्य कितना मूंझते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं ना। श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला राजकुमार, यह बेहद का बाप इनको राज्य भाग्य देते हैं। बाप जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं उसमें श्री कृष्ण नंबर वन प्रिंस हैं। बाप बच्चों को पावन बनने की युक्ति बैठ बताते हैं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग जिसको वैकुंठ विष्णुपुरी कहेंगे वह पास्ट हो गया है, फिर फ्यूचर होगा, चक्र फिरता रहता है ना। यह ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिलता है, यह धारण कर और फिर कराना है। हर एक को टीचर बनना है। ऐसे भी नहीं कि टीचर बनने से लक्ष्मी नारायण बनेंगे, नहीं, टीचर बनने से तुम प्रजा बनाएंगे। जितना बहुतों का कल्याण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, स्मृति रहेंगी। बाप कहते हैं ट्रेन में आते हो तो बैच पर समझाओ। बाप पतित पावन लिबरेटर है, पावन बनाने वाला है। जानवर घोड़े आदि कछ मच को भी अवतार कह देते हैं, उनको भी पूजते रहते हैं, समझते हैं भगवान सर्वव्यापी अर्थात सब में है, सबको खिलाओ। अच्छा, बाबा कहे अच्छा, कण कण में भगवान कहते हैं, फिर उनको कैसे खिलाएंगे? बिल्कुल ही समझ से बाहर है। बाबा कहते हैं कण कण में है तो फिर भगवान को कण कण में कैसे खिलाएंगे? लक्ष्मी नारायण आदि देवताएं थोड़े ही यह काम करेंगे। चींटियों को अन्न देंगे, फलाने को देंगे। तो बाप समझाते हैं तुम हो रिलीजो पॉलिटिकल, अर्थात तुम धार्मिक लीडर हो। तुम जानते हो हम धर्म स्थापन कर रहे हैं, राज्य स्थापन करने के लिए मिलिट्री रहती है, परंतु तुम हो गुप्त। तुम्हारी है स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब इन धर्मों से निकल अपने घर जाएंगे, आत्माएं चली जाएंगी। वह है आत्माओं के रहने का घर परमधाम। अभी तुम संगम युग पर पढ़ रहे हो, फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे
और कोई धर्म नहीं होगा। गीता में भी है ना, बाबा आप जो देते हो वह और कोई दे न सके। सारा आसमान, सारी ही धरती तुम्हारी रहती है, सारे विश्व के तुम मालिक बन जाते हो। यह भी अभी तुम समझते हो, नई दुनिया में यह सभी बातें भूल जाएंगी। इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम हर 5000 वर्ष के बाद राज्य लेते हैं फिर गमाते हैं। यह 84 का चक्र फिरता ही रहता है। तो पढ़ाई पढ़नी पड़े तभी जा सकेंगे ना, पढ़ेंगे नहीं तो नई दुनिया में जा नहीं सकेंगे। वहाँ तो लिमिटेड नंबर है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वहाँ जाकर पद पाएंगे। इसमें सब तो पढ़ेंगे नहीं, अगर सभी पढ़े तो फिर दूसरे जन्म में राज्य भी पावे। पढ़ने वालों की लिमिट है, इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चे बहुत थोड़े हो, जो कोटों में भी कोई हो। सतयुग त्रेता में आने वाले ही पढ़ेंगे, तुम्हारी प्रजा बहुत बनती रहती है। देरी से आने वाले पाप तो भस्म कर न सके, पाप आत्माएं होंगी तो फिर सजाएं खाकर बहुत थोड़ा पद लेंगी, बेइज्जत होंगी। जो अभी माया की बहुत इज्जत वाले हैं वह बेइज्जत बन जाएंगे। अर्थात बाबा कहते हैं जो अभी माया के वश में हैं तो याद नहीं करेंगे, विकर्म विनाश नहीं होंगे तो फिर बेइज्जत होंगे ना। जो याद में रहकर अपने विकर्मों को विनाश करेंगे फिर विद ऑनर्स अपने घर और सतयुग में जाएंगे, वह है आसुरी इज्जत। ईश्वरीय अथवा देवी इज्जत और आसुरी इज्जत में रात दिन का फर्क है। हम आसुरी इज्जत वाले थे, अब देवी इज्जत वाले बनते हैं। आसुरी इज्जत से बिल्कुल बेघर बन जाते हैं। यह है कांटों की दुनिया, तो बेइज्जती हुई ना, फिर कितनी इज्जत वाले बनते हैं सतयुग में। यथा राजा रानी तथा प्रजा, बेहद का बाप तुम्हारी इज्जत बहुत ऊंच बनाते हैं, तो इतना पुरुषार्थ भी करना है। सब कहते हैं हम अपनी इज्जत ऐसी बनावे, अर्थात नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जावे। इनसे लक्ष्मी नारायण से ऊंच इज्जत कोई की है नहीं। कथा भी नर से नारायण बनने की ही सुनते हैं। अमर कथा, तिजरी की कथा, यह एक ही है। यह कथा अभी ही तुम सुनते हो क्योंकि सुनाने वाला बाप ही एक है। तुम बच्चे विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते नीचे उतरते आए हो, फिर पहला नंबर का जन्म होगा। पहले नंबर जन्म में तुम बहुत ऊंच पद पाते हो। राम इज्जत वाला बनाते हैं, रावण बेइज्जत वाला बना देते हैं, क्योंकि बाबा देवी गुण धारण कराते हैं तो इज्जत होती है। इस नॉलेज से ही तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाते हो। आधा कल्प रावण का नाम नहीं रहता है। यह बातें अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आती हैं, सो भी नंबरवार कल्प कल्प ऐसे ही तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझदार बनते हो। माया गफलत कराती है, बेहद के बाप को याद करना ही भूल जाते हैं। भगवान पढ़ाते हैं, वह हमारा टीचर बना है, फिर भी एब्सेंट रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं। दर दर धक्के खाने की आदत पड़ी हुई है। पढ़ाई पर जिनका ध्यान नहीं रहता है तो उनको फिर नौकरी में लगा देना होता है। धोबी आदि का काम करते हैं, उसमें पढ़ाई की क्या दरकार। व्यापार में मनुष्य मल्टी मिलियनियर करोड़पति बन जाते हैं, नौकरी में इतना नहीं बनेंगे। बाबा पढ़ाई पर अटेंशन दिलाते कहते हैं कि जो जितना पढ़ते हैं फिर वो इतना ही प्राप्ति करते हैं, उसमें नौकरी में तो फिक्स पगार मिलेंगी। अभी तुम्हारी पढ़ाई है विश्व की बादशाही के लिए। यहाँ कहते हैं ना हम भारतवासी हैं, पीछे फिर तुमको कहेंगे विश्व के मालिक। वहाँ देवी देवता धर्म के सिवाय दूसरा कोई धर्म होता नहीं। बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं तो उनकी मत पर चलना चाहिए। कोई भी विकार का भूत नहीं होना चाहिए, ये भूत बहुत खराब हैं। कामी की हेल्थ बिगड़ती रहती है, ताकत कम हो जाती है। इस काम विकार ने तुम्हारी ताकत बिल्कुल खत्म कर दी है। नतीजा यह हुआ है आयु कम होती गई है, भोगी बन पड़े हो। कामी, भोगी, रोगी सब बन जाते हैं। बाबा कहते जितना आत्मा पतित बन, अर्थात बाबा कहते जितना आत्मा पतित बनती जाती है उसकी ताकत उतनी कम होती जाती है। वहाँ सतयुग में विकार होता नहीं तो योगी होते हैं, सदैव तंदुरुस्त और आयु भी 150 वर्ष होती है। वहाँ सतयुग में काल खाता नहीं, अर्थात अकाले मृत्यु नहीं होती। इस पर एक कथा भी बताते हैं,
कोई से पूछा गया पहले सुख चाहिए या पहले दुख चाहिए, तो उनको कोई ने इशारा दिया, बोलो पहले सुख चाहिए, क्योंकि सुख में चले जाएंगे तो वहाँ काल आएगा नहीं, अंदर घुस न सके। एक कथा बना दी है, अर्थात बाबा कहते हैं लक्ष्य और चॉइस हमेशा ऊंची होनी चाहिए। बाप समझाते हैं, तुम सुखधाम में रहते हो तो वहाँ कोई काल होता नहीं, रावण राज्य ही नहीं, फिर जब विकारी बनते हो तो काल आता है। कथाएं कितनी बना दी है, काल ले गया फिर यह हुआ, न काल देखने में आता है न आत्मा दिखाई पड़ती है। इसको कहा जाता है दंत कथाएं, कन रस की बहुत कहानियां हैं। अब बाप समझाते हैं, वहाँ सतयुग में अकाले मृत्यु कभी होता नहीं, आयु बड़ी होती है और पवित्र रहते हैं। 16 कला फिर कला कम होते होते एकदम 9 कला हो जाते हैं। मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, एक निर्गुण संस्था भी बच्चों की है। कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं, हमको गुणवान बनाओ, सर्वगुण संपन्न बनाओ। अब बाप कहते हैं पवित्र बनना है। बाबा कहते हैं सर्वगुण संपन्न बनने के लिए पवित्र बनना है, मरना भी है सबको। इतने ढेर मनुष्य सतयुग में नहीं होते, अभी तो कितने ढेर हैं, वहाँ बच्चा भी योग बल से होता है। यहाँ तो देखो कितने बच्चे पैदा करते रहते हैं। बाप फिर भी कहते हैं आत्मा को याद करो, वह बाप ही पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाने वाला याद पढ़ता है। बाबा कहते पढ़ाई पढ़ते हैं तो पढ़ाने वाला टीचर याद रहता है ना, कि आज टीचर ने यह पढ़ाया। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ाते हैं वह भी तुमको मालूम है। तो बाप अथवा टीचर से योग लगाना है, नॉलेज बहुत ऊंची है। अभी तुम सबकी स्टूडेंट लाइफ है, ऐसी यूनिवर्सिटी देखी जहाँ बच्चे बूढ़े जवान सब इकट्ठे पढ़ते हैं, एक ही स्कूल एक ही पढ़ाने वाला टीचर हो और जिसमें ब्रह्मा स्वयं भी पढ़ता हो। वंडर है ना, शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं, यह ब्रह्मा भी सुनते हैं। बाबा कहते हैं कैसी वंडरफुल पढ़ाई है, जहाँ नंबर वन से लेकर नंबर लास्ट वाले एक ही पढ़ाई पढ़ते हैं। बच्चा चाहे बूढ़ा कोई भी पढ़ सकते हैं, तुम भी पढ़ते हो ना यह नॉलेज, अब पढ़ाना शुरू कर दिया है। दिन प्रतिदिन टाइम कम होता चला जाता है, अभी तुम बेहद में चले गए हो। जानते हो यह 5000 वर्ष का चक्र कैसे पास हुआ, पहले एक धर्म था अभी कितने ढेर धर्म हैं। अभी सावरंटी अर्थात राजधानी तो है नहीं, इसको कहा जाता है प्रजा का प्रजा पर राज्य। पहले पहले बहुत पावरफुल धर्म था, सारे विश्व के मालिक थे, अभी अधर्मी बन पड़े हैं, कोई धर्म नहीं है, सब में 5 विकार हैं। बेहद का बाप कहते हैं बच्चों अभी धैर्य धरो, बाकी थोड़ा समय तुम इस रावण राज्य में हो, अच्छी रीति पढ़ेंगे तो फिर सुखधाम में चले जाएंगे, यह है दुखधाम। तुम अपने शांति धाम और सुखधाम को याद करो, इस दुखधाम को भूल जाओ। आत्माओं का बाप डायरेक्शन देते हैं, हे रूहानी बच्चों। बाबा कहे रूहानी बच्चों ने इन ऑर्गन्स द्वारा सुना, तुम आत्माएं जब सतयुग में सतो प्रधान थी तो तुम्हारा शरीर भी फर्स्ट क्लास सतो प्रधान था, तुम बड़े धनवान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते क्या बन गए हो। बाबा कहते हैं देखो सतो प्रधान थे तो तुम क्या थे, कितनी प्राप्ति थी, और अभी देखो क्या बन गए हो, रात दिन का फर्क है। दिन में हम स्वर्ग में थे, रात में हम नर्क में है। इनको कहा जाता है ब्रह्मा का सो ब्राह्मणों का दिन और रात, 63 जन्म धक्के खाते रहते हैं, अंधियारी रात है ना, भटकते रहते हैं, भगवान कोई को मिलता ही नहीं। इसको कहा जाता है भूल भुलैया का खेल। तो बाप तुम बच्चों को सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं, उसमें पहला दर दर धक्के खाने की आदत छोड़, भगवान की पढ़ाई ध्यान से पढ़नी है, कभी एब्सेंट नहीं होना है, बाप समान टीचर भी जरूर बनना है, पढ़कर फिर पढ़ाना है।
दूसरा सत्य नारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है, ऐसा इज्जतवान स्वयं को स्वयं ही बनाना है। कभी भूतों के वशीभूत हो इज्जत गंवानी नहीं है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी भव। संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी भव। स्पष्टीकरण है, सहज योग का आधार है संबंध और प्राप्ति। संबंध के आधार पर प्यार पैदा होता है और जहाँ प्राप्तियाँ होती है वहाँ मन बुद्धि सहज ही जाता है। तो संबंध में मेरेपन के अधिकार से याद करो, दिल से कहो मेरा बाबा, और बाप द्वारा जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति आनंद प्रेम का खजाना मिला है उसे स्मृति में इमर्ज करो, इससे अपार खुशी रहेंगी और सहज योगी भी बन जाएंगे। आज बाबा ने सहज योगी बनने के लिए दो बातें बताई। एक तो बाबा ने कहा सर्व संबंध एक बाबा से जोड़ना है और दिल से कहना है मेरा बाबा। और दूसरा बाबा कहते हैं जो बाबा से सर्व खजाने मिले हैं उनकी स्मृति को सदा इमर्ज रखेंगे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। आज का स्लोगन है देह भान से मुक्त बनो तो दूसरे सब बंधन स्वतः खत्म हो जाएंगे। देह भान से मुक्त बनो तो दूसरे सब बंधन स्वतः खत्म हो जाएंगे। आज के अव्यक्त इशारे का 23वां पॉइंट है, बाबा कहे बाप दादा से तो मिलन मनाते हो लेकिन बड़े से बड़ा मिलन है आपस में संस्कार का मिलन। जब यह संस्कार मिलन हो जाएगा तब जय जयकार होंगी। इसके लिए मधुरता का गुण धारण करो, कटाक्ष के बोल व कटु बोल नहीं बोलो। जिसे मिलन में हाथ मिलाते हैं यह मिलन है संस्कार मिलन। अगर सबके संस्कार मिलकर बाप समान हो जाए, सबके संस्कार एक समान हो जाए तो एक राज्य एक धर्म वाली दुनिया आ जाएंगी। आज बाबा ने संस्कार मिलन के लिए दूसरा गुण धारण करने के लिए कहा मधुरता का गुण। यह गुण सहज ही संस्कार मिलन करा सकेंगे और जब संस्कार मिलन होंगे तभी एक राज्य एक धर्म की स्थापना कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।